हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आप सभी को नमस्कार, सभी का वेलकम इस क्लास में। यू ऑल आर वेलकम टू दिस क्लास। कंफर्म करें आपका ऑडियो वीडियो एक्सेसिबल है। प्लीज़ कंफर्म योर ऑडियो वीडियो इज एक्सेसिबल टू यू। इट्स ओके, कंफर्म कर दीजिए। सो जैसे ही आप कंफर्म करेंगे, आई विल बी एबल टू स्टार्ट द डिस्कशन। तो चलिए कर दीजिए कंफर्म क्विकली। तो आज के इस डिस्कशन में हमारा जो चैप्टर है वो है चैप्टर वन, ट्रांसफर प्राइसिंग को लेकर के, जिसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन जो हम डिस्कस करेंगे, इसी प्रकार के लगातार क्वेश्चंस पेपर में पूछे जाते रहे हैं इन द पास्ट। सो लेट अस होप कि इसमें और क्वेश्चंस आगे भी पूछे जाते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के डिस्कशन को। व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग? ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद एन सिंगल डिविजन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू कस्टमर्स इन डिफरेंट कंट्रीज। प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बेस्ड ऑन मार्केट डिमांड। तो कौन सा ऑप्शन हमें लगता है दैट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट इन दिस केस? सो ट्रांसफर प्राइसिंग क्या होता है? ट्रांसफर प्राइसिंग के कॉन्सेप्ट को हम इस प्रकार से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सो देर इज कंपनी ए एंड देर इज कंपनी बी एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू ईच अदर। सो कंपनी ए सेल्स गुड्स टू कंपनी बी और इसके लिए जो प्राइस चार्ज की जाएगी, so that price will be the market price. Now, अगर हमारे पास कंपनी ए है और कंपनी के ए के अंदर हमारे पास डिवीजन वन है, डिवीजन टू है, डिवीजन थ्री है। अगर डिवीजन वन अपने फिनिश गुड्स को डिवीजन टू को ट्रांसफर करता है और डिवीजन टू इसी प्रकार से अपने फाइनल प्रोडक्ट्स को डिवीजन थ्री को ट्रांसफर करता है, तो इनके ऊपर वो किस तरह की प्राइस चार्ज करेगा, यानी डिवीजन वन किस प्रकार की प्राइस को इससे रिकवर करेगा? तो यही कॉन्सेप्ट है ट्रांसफर प्राइसिंग का। तो यहाँ पे एक्चुअली सेल नहीं किया गया, प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर दिया है विद इन द सेम कंपनी बट टू ए डिफरेंट डिवीजन, और उसके लिए प्राइस क्या चार्ज किया जाएगा? सो दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, यानी दिस इज विद इन द कंपनी। सो आंसर ए हमारा बन गया, प्राइसिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद इन मल्टी डिविजनल ऑर्गेनाइजेशन। क्वेश्चन टू, व्हाई इज ट्रांसफर प्राइसिंग इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस? मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग का जो कॉन्सेप्ट है ये क्यों इम्पॉर्टेंट है? इट परमिट्स देम टू इंक्रीज प्रॉफिट बाय मैनिपुलेटिंग प्राइसेस। इट हेल्प्स टू स्टेम द फ्लो ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू ओवरसीज। इट अलाउज देम टू अवॉइड पेइंग टैक्सेस ऑल टुगेदर। इट हैज़ नो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन बिजनेस ऑपरेशंस। तो कौन सा ऑप्शन आपको लगता है कि वो ज़्यादा करेक्ट है? क्वेश्चन नंबर टू, सो व्हाट विल बी आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर टू? क्वेश्चन नंबर दो के लिए आंसर क्या बनता है? सो क्वेश्चन नंबर टू के लिए आंसर बनेगा भी, इट हेल्प्स देम टू स्टेम द फ्लो ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू ओवरसीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में यूज होता है, तो वो टैक्स को बचाने के लिए अपने रेवेन्यू स्ट्रीम्स को एडजस्ट कर लेते हैं एक दूसरे कंट्रीज के अंदर। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हियर। क्वेश्चन नंबर थ्री, व्हाट फैक्टर्स इन्फ्लुएंस ट्रांसफर प्राइसेस यूज्ड बाय मल्टीनेशनल्स? मल्टीनेशनल्स जो ट्रांसफर प्राइसेस को यूज़ करते हैं,
कौन कौन से फैक्टर्स उनको इन्फ्लुएंस करते हैं, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैपेबिलिटीज ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड टैक्सेस ऑन प्रॉफिट्स, मार्केट डिमांड, इंपोर्ट कोटास, कस्टम ड्यूटीज, सिंपल लैक ऑफ अटेंशन टू प्राइसिंग, प्राइसिंग स्ट्रेटेजी एंड वैल्यू एडेड टैक्स एंड GST, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, प्रोडक्शन कॉस्ट एंड इन्फ्लेशन रेट्स। तो कौन सा लगता है दैट इज मोर अप्रोप्रिएट फैक्टर क्वेश्चन नंबर 3 के लिए? सो व्हाट इज द आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 3? तो आंसर बनेगा हमारा ए, परफॉर्मेंस मेजरमेंट कैपेबिलिटी ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम्स एंड टैक्स ऑन प्रॉफिट्स, बिकॉज वो प्रॉफिट के ऊपर टैक्स नहीं देना चाहते, इसीलिए वो ऐसे अकाउंटिंग सिस्टम्स को अडॉप्ट करते हैं जिससे उनका टैक्स सेविंग्स हो सके। ओवर ट्रांसफर प्राइसिंग डिटरमिंड, ट्रांसफर प्राइसिंग कैसे डिटरमिन होता है? मार्केट डिमांड से, गवर्नमेंट रेगुलेशन से, बाय द डिविजन ऑफ मल्टी एंटिटी कंपनीज और बाय अकाउंटिंग डिपार्टमेंट। सो हाउ आर ट्रांसफर प्राइसेस डिटरमिंड? क्वेश्चन नंबर 4, सो आंसर हियर इज सी, बाय डिविजन ऑफ मल्टी एंटिटी कंपनीज। सो डिविजन 1, डिविजन 2 को वो ट्रांसफर करता है कितनी प्राइस के ऊपर? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रीजन फॉर राइज ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस? सो ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस को लगातार स्ट्रॉन्ग किया गया है, तो उसके पीछे इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? टू प्रिवेंट फ्लो ऑफ टैक्सेशन रेवेन्यू ओवरसीज, टू इंश्योर दैट मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस पे देयर फेयर शेयर ऑफ टैक्सेस, to increase profits for multinational corporations, to prevent manipulation of prices by multinational corporations। तो कौन सा ऑप्शन आंसर आपको लगता है करेक्ट है? नॉट ए रीजन, इनमें से कौन सा रीजन नहीं है? सो इट इज सी, टू इंक्रीज प्रॉफिट फॉर मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन। तो ये उसके पीछे रीजन नहीं है, तो ये जो रेगुलेशंस को स्ट्रॉन्ग किया गया, स्ट्रेंथन किया गया है, तो बाकी 3 रीजंस हैं, ए है, बी है, डी है, बट सी इज नॉट द रीजन। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल? सो ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर देर इज ए प्रिंसिपल कॉल्ड आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। Principle of selecting prices arbitrarily to reduce overall tax paid, principle of setting prices based on bookkeeping, principle of ensuring that two unrelated and non-desperate parties would agree to a transaction, principle of limiting how transfer prices can be set। So pricing ko leke there is a concept called arm's length principle। सो आंसर हमारा है सी। मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या होता है। तो लेट अस से देयर इज कंपनी ए, देयर इज कंपनी बी। सो कंपनी बी को, जब कंपनी ए अपने प्रोडक्ट को सेल करता है, तो इसके ऊपर ये कमर्शियल प्राइस यूज करते हैं। और इस प्रकार से यूज करते हैं कि ये पार्टीज आपस में रिलेटेड नहीं है। अगर ए कंपनी अपनी किसी सब्सिडरी कंपनी को, लेट अस से सब्सिडरी कंपनी है एस, अगर उसको ये गुड्स बेचती है, तो ऐसा पॉसिबल है कि उससे वो कमर्शियल प्राइस चार्ज ना कर रही हो, तो उससे जो टैक्सेशन है वो इम्पैक्ट होता है, क्योंकि थ्रू दैट टाइप ऑफ प्राइसिंग अगर कमर्शियल प्राइस चार्ज ना की जाए, तो इन दोनों के प्रॉफिट या लॉस को मैनिपुलेट किया जा सकता है। इसलिए आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल क्या कहता है कि जो प्राइस ए एस से रिकवर करेगा, वो उसी प्रकार की प्राइस होनी चाहिए जो वो बी से रिकवर करेगा। यानी अगर वो रिलेटेड पार्टी है,
तो उससे वो कंसेशन नहीं देगा, कमर्शियल प्राइस ही चार्ज करेगा। तो इसी तरह का कॉन्सेप्ट है आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल। तो आंसर हमारा बन जाता है सी। व्हाट इज द पर्पस ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रेगुलेशंस एंड गाइडलाइंस इन ट्रांसफर प्राइसिंग? तो इनका पर्पस क्या है? तो ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, टू अलाउ मल्टीनेशनल ग्रुप्स टू रिड्यूस देयर ओवरऑल टैक्स, टू प्रोवाइड मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डबल टैक्सेशन, टू एनफोर्स अ टैक्स लॉ बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, एंड टू आर्बिट्रली सिलेक्ट प्राइसेस फॉर ट्रांजेक्शन। इनमें से पर्पस कौन सा है? व्हाट इज द पर्पस? सो पर्पस है टू प्रोवाइड ए मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डबल टैक्सेशन। सो डबल टैक्सेशन ना लगे, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्ट करना है। व्हाट इज एडवांटेज ऑफ यूजिंग ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज टू डिटरमिन द आर्म्स लेंथ प्राइस? तो एडवांटेज क्या है जब ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग पॉलिसीज यूज की जाएंगी आर्म्स लेंथ प्राइसिंग को डिटरमिन करने के लिए? द पॉलिसीज कैरी लेस टैक्सेशन रिस्क देन टेलर्ड सॉल्यूशंस टू ईच कंट्री, पॉलिसीज अलाउ मल्टीनेशनल ग्रुप्स टू रिड्यूस देयर ओवरऑल टैक्सेस, पॉलिसीज आर बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, एंड पॉलिसीज अलाउ फॉर आर्बिट्रेरी सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस। तो विच ऑफ दीज अपियर्स टू बी करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 8। सो विच अपियर्स टू बी करेक्ट वन? क्वेश्चन नंबर 8 के लिए, सो यहां पे आंसर ए इज द राइट आंसर। द पॉलिसीज कैरी लेस टैक्सेशन रिस्क देन अ टेलर्ड सॉल्यूशन फॉर ईच कंट्री। तो ये एडवांटेज है जब हम यूज करते हैं ग्लोबल ट्रांसफर प्राइसिंग्स, जब हम आर्म्स लेंथ प्राइसिंग सिस्टम को यूज करेंगे। व्हाट इज आर्म्स लेंथ प्राइस? द प्राइस एट विच टू अनरिलेटेड एंड नॉन डेस्परेट पार्टीज वुड एग्री टू ए ट्रांजेक्शन, प्राइस सिलेक्टेड आर्बिट्रेरली, प्राइस बेस्ड ऑन बुक कीपिंग, और प्राइस सेट टू लिमिट हाउ ट्रांसफर प्राइसेस कैन बी सेट। तो ये क्वेश्चन हालांकि रिपीट हो गया है लेकिन ये थोड़ा डिफरेंट फॉर्म में है। तो आंसर हियर इज ए। क्वेश्चन 10। व्हाट इज रोल ऑफ OECD ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस फॉर मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन? OECD की ट्रांसफर प्राइसिंग गाइडलाइंस हैं, उनका क्या रोल है मल्टीनेशनल एंटरप्राइजेज एंड टैक्स एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर? टू लिमिट हाउ ट्रांसफर प्राइसेस कैन बी सेट, टू प्रोवाइड मेथड ऑफ प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट डबल टैक्सेशन, टू अलाउ मल्टीनेशनल ग्रुप्स टू रिड्यूस देयर ओवरऑल टैक्सेस, एंड टू सिलेक्ट प्राइसेस आर्बिट्रेरली बेस्ड ऑन बुक कीपिंग। सो कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट बनेगा फॉर दिस पर्पज? क्वेश्चन नंबर 10। तो आंसर हियर विल बी ए, टू लिमिट हाउ ट्रांसफर प्राइसेस कैन बी सेट। ट्रांसफर प्राइसेस को कैसे सेट किया जाए, तो उसको रिलेटेड इनका रोल है। व्हाट इज कंपेरेबल अनकंट्रोलेबल प्राइस मेथड फॉर यूज्ड फॉर? सो ट्रांसफर प्राइसिंग मेथड्स में एक मेथड है कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस, CUP। इस मेथड को किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? कंपेयरिंग द प्राइस एट विच कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड टू द प्राइस एट विच सिमिलर कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, कंपेयरिंग द प्राइस एट विच कंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड टू द प्राइस एट विच कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, डिटर्मिन कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाई एडिंग अप्रोप्रिएट मार्कअप टू कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड लेबर, और वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम द ट्रांजेक्शन टेकिंग प्लेस एट द नेक्स्ट स्टेज इन द सप्लाई चेन। कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड इनमें से किस पर्पस के लिए यूज होता है या कहाँ यूज होता है? क्वेश्चन नंबर 11। सो इट इज यूज्ड व्हेन
कंपेयरिंग द प्राइस एट विच कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड टू प्राइस एट विच कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। तो एक तरफ हम लेंगे कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन और दूसरी तरफ हम ले लेंगे अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शंस। सो जब हमने इन दोनों को कंपेयर करना है तो तब हम यूज करेंगे कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड। व्हाट इज कॉस्ट प्लस मेथड? कॉस्ट प्लस मेथड क्या होता है? अंडर ट्रांसफर प्राइसिंग कंपेयरिंग द प्राइस एट विच कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड टू द प्राइस एट विच कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एडिंग एप्रोप्रिएट मार्कअप टू कॉस्ट ऑफ मटीरियल एंड लेबर। वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस एट द नेक्स्ट स्टेज इन द सप्लाई चेन। और कंपेयरिंग द प्राइस एट विच कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड टू द प्राइस एट विच सिमिलर कंट्रोल्ड ट्रांजैक्शन इज कंडक्टेड। सो कॉस्ट प्लस मेथड, सो कौन सा स्टेटमेंट इस मेथड को रिप्रेजेंट करता है? क्वेश्चन नंबर 12। तो यहां पे हमारा आंसर बनता है बी, डिटरमिनिंग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बाय एडिंग एन एप्रोप्रिएट मार्कअप टू द कॉस्ट ऑफ मटेरियल एंड लेबर। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स जो सेल की गई उनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए उनमें ऐड कर दिया जाएगा सम एप्रोप्रिएट मार्कअप। व्हाट इज रीसेल प्राइस मेथड यूज्ड फॉर? ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर रीसेल प्राइस मेथड हम किस पर्पस के लिए यूज करते हैं? सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर देखिए कौन सा आंसर बनता है। रीड ऑल ऑप्शंस वेरी केयरफुली एंड देन ट्राई टू फाइंड द आंसर। सो आंसर हमारा बनेगा डी। रीसेल प्राइस में हम क्या करते हैं? वर्किंग बैकवर्ड्स फ्रॉम द ट्रांजैक्शन टेकिंग प्लेस एट नेक्स्ट स्टेज इन द सप्लाई चेन। तो किसी भी पर्टिकुलर स्टेज को हम ले लेते हैं सप्लाई चेन के विदिन और फिर हम बैकवर्ड वर्किंग करते हैं ट्रांजैक्शन की प्राइसिंग करने के पर्पस के लिए। फ्रेंड्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनका अभी तक लाइक डिसलाइक नहीं हुआ है, तो क्विकली लाइक डिसलाइक को कंप्लीट कर दीजिए। सो जिन जिन का भी रहता है, एंड आई एम श्योर जैसे जैसे एग्जाम पास में आता है तो क्वेश्चंस आप प्रैक्टिस के लिए ज़रूर कर रहे होंगे, बिकॉज अगर आप क्वेश्चंस नहीं करेंगे प्रैक्टिस के लिए तो फिर आपका जो स्कोरिंग है जो आ सकता है वो नहीं आ पाएगा। तो इसीलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें और उसके लिए क्वेश्चन बैंक आप यूज़ कर सकते हैं, हमारी ऐप के अंदर अवेलेबल है क्वेश्चन बैंक। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, लेकिन मैं अभी भी नोट कर रहा हूँ, अभी काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका लाइक डिसलाइक पूरा नहीं हुआ है तो मैं रुकूंगा नहीं, मैं आगे कंटिन्यू करता हूँ, लेकिन आप लाइक डिसलाइक को ज़रूर कंप्लीट कर दीजिए। व्हाट इज मेन चैलेंज बाय यूजिंग कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड प्राइस मेथड? मेन चैलेंज क्या है जब हम CUP मेथड को यूज़ करते हैं? Finding transactions which are sufficiently comparable, determining cost of goods sold by adding an appropriate markup to cost of material and labor, working backwards from the transaction taking place at the next stage in the supply chain, or comparing price at which controlled transaction is conducted to the price at which controlled transaction is conducted. तो दो prices को compare करना। सो व्हाट इज द मेन चैलेंज? सो मेन चैलेंज लाई करता है फाइंडिंग द ट्रांजैक्शन विच आर सफिशिएंटली कंपेरेबल, क्योंकि अगर हम कंपैरिजन करेंगे ऐसी प्रोडक्ट्स का जो कंपेरेबल नहीं है या सफिशिएंटली कंपेरेबल नहीं है, वी विल नॉट बी एबल टू ड्रॉ प्रॉपर कंक्लूजन। तो प्रॉपर कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए हम उन ट्रांजेक्शन्स की तलाश करेंगे, वी विल ट्राई टू फाइंड आउट दोज ट्रांजेक्शन विच आर properly or sufficiently comparable. What does cost plus method determine arm's length price based on?
सो जो कॉस्ट प्लस मेथड है वो आर्म्स लेंथ प्राइस डिटरमिन करने में कैसे बेस्ड है, प्राइस एट विच कंट्रोल ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, प्राइस एट विच कंपेरेबल अनकंट्रोल्ड ट्रांजेक्शन इज कंडक्टेड, कॉस्ट इनकर्ड बाय सेलिंग पार्टी इन मैन्युफैक्चरिंग परचेजिंग द गुड्स और सर्विसेज प्रोवाइडेड, और ट्रांजेक्शंस टेकिंग प्लेस एट नेक्स्ट स्टेज इन द सप्लाई चेन। तो देखिए कौन सा ऑप्शन आंसर आपको करेक्ट लग रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, रीड ऑल ऑप्शंस केयरफुली। और फिर आंसर करिए। क्वेश्चन नंबर 15। तो इस क्वेश्चन के लिए आंसर बनेगा हमारा सी। सो व्हाट डज कॉस्ट प्लस मेथड डिटरमिन द आर्म्स लेंथ प्राइस बेस्ड ऑन। तो इट इज कॉस्ट इनकर्ड बाय द सेलिंग पार्टी। तो जो सेलिंग पार्टी की कॉस्ट बनी है मैन्युफैक्चर करते समय, परचेज करते समय या सर्विसेज प्रोवाइड करते समय। व्हाट इज रीसेल प्राइस मेथड यूज्ड फॉर। रीसेल प्राइस मेथड ट्रांसफर प्राइसिंग के अंदर कब यूज किया जाता है। टू डिटरमिन कॉस्ट ऑफ डेवलपिंग टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, टू कंपेयर ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग इंटेंजिबल गुड्स, टू डिटरमिन आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विसेज सोल्ड टू एन अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, और टू डिटरमिन प्रॉफिट्स गेन्ड फ्रॉम यूजेज ऑफ टेक्निकल और टेक्नोलॉजिकल नो हाउ। तो क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट शैल बी द आंसर। क्वेश्चन 16 के लिए क्या आंसर रहेगा। सो सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करें और फिर आंसर प्रोवाइड करें। सो आंसर हियर विल बी सी। टू डिटरमिन आर्म्स लेंथ प्राइस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज सोल्ड टू अनरिलेटेड थर्ड पार्टी, यानी कमर्शियल प्राइस चार्ज करना। हाउ इज एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन डिटरमिन अंडर रीसेल प्राइस मेथड। रीसेल प्राइस मेथड में एप्रोप्रिएट ग्रॉस मार्जिन को कैसे डिटरमिन करना है। By examining cost of goods sold by manufacturer, by comparing transactions to other third party transactions, by subtracting selling price from cost of goods sold, by adding a random percentage to the selling price। देखिए कौन सा ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है क्वेश्चन नंबर 17 में। Which options appear to be correct? तो इस क्वेश्चन के अंदर हमारा ऑप्शन जो करेक्ट बनता है वो है बी, दैट इज बाय कंपेयरिंग ट्रांजेक्शंस टू थर्ड पार्टी ट्रांजेक्शंस। हम उस पॉइंट ऑफ व्यू से ग्रॉस मार्जिन को डिटरमिन करते हैं। व्हाट काइंड ऑफ ट्रांजेक्शन इज द रीसेल प्राइस मेथड फ्लेक्सिबल फॉर। रीसेल प्राइस मेथड जो है वो फ्लेक्सिबल है, तो किस टाइप की ट्रांजेक्शंस के लिए वो फ्लेक्सिबल है। ट्रांजेक्शंस इन्वॉल्विंग इंटेंजिबल गुड्स, transactions involving tangible goods, transactions between manufacturers and distributors, and transactions involving payment of royalties. Question number 18, what will be the answer? To kya answer rahega question number 18 ke liye? What type of transaction is resale price method flexible for? So it is flexible for transactions involving tangible goods. So tangible goods ko lekar ke jo transactions hain unke andar it is flexible. In what situation is it best to use resale price method? Resale price method ko agar hum use karte hain to best suited wo kahan pe hai? So all options को carefully read करिए और फिर answer को provide करें। Question number 19। Yes, I'm waiting। Question number 19।
क्वेश्चन नंबर 19 के लिए आंसर सी इज द करेक्ट वन। सो जहां पे डेटा का अवेलेबिलिटी है और कंपेरेबल ट्रांजैक्शंस हैं, ओनली इन दोज द रीसेल प्राइस मेथड इज मोस्ट सूटेबल। हाउ इज आर्म्स लेंथ प्राइस फॉर पेमेंट ऑफ रॉयल्टीज डिटरमिंड यूजिंग रीसेल प्राइस मेथड। अगर हम रीसेल प्राइस मेथड को यूज करें तो रॉयल्टीज की पेमेंट हम कर रहे हों तो आर्म्स लेंथ प्राइस को हम कैसे डिटरमिन करते हैं। ये हमारे ऑप्शन आंसर्स हैं, सभी ऑप्शंस को केयरफुली रीड करिए और फिर आंसर को प्रोवाइड करें। बाय वर्किंग बैकवर्ड फ्रॉम कॉस्ट इन्वॉल्व इन डेवलपमेंट ऑफ टेक्नोलॉजिकल नो हाउ, बाय एग्जामिनिंग कंडीशंस अंडर विच गुड्स और सर्विसेज आर सोल्ड, बाय सब्ट्रैक्टिंग appropriate gross margin from price at which distributor sold the product, or by working backward from the profit gained based on uses of the know-how. Question number 20. So question number 20 के लिए answer हमारा बनता है D, by working backward from the profits gained based on uses of know-how. Question 21. What are two most common non-traditional methods for determining arm's length price? Arm's length price determine करने के लिए दो most common non-traditional methods कौन कौन से हैं? Comparable and residual profit split method, या cost plus and resale price method, या profit split and transactional net margin method, या comparable uncontrolled price and transactional profit split method. तो विच वन इज मोर एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 21 कौन सा लगता है मोस्ट एप्रोप्रिएट? क्वेश्चन नंबर 21 तो आंसर हियर इज सी, प्रॉफिट स्प्लिट एंड ट्रांजैक्शनल नेट मार्जिन मेथड। When is profit split method typically used? Profit split method को आमतौर के ऊपर कब use किया जाता है, typically कब उसको use किया जाता है? तो ये हमारे option answers हैं, सभी options को carefully read करिए और फिर answer को provide करिए। Read all options carefully and then answer the question. Question number 22. When business involved in examination transactions are too integrated to allow for separate evaluation, when companies involved have high level of trust, when companies involved have low level of trust, या when transactions involve transfer of goods, तो profit split method कब use होता है? So it is used when business is involved in the examined transactions are too integrated to allow for separate evaluation. Separate evaluation जब नहीं किया जा सकता क्योंकि operation इतना integrated है तो तब इसको use करते हैं। चलिए एक question हम और take up कर लेते हैं। In profit split method, how is ultimate profit derived from endeavor split? तो इस method में ultimate profit को कैसे derive किया जाता है? Equally among participating companies, based on amount of revenue generated by each company, based on level of contribution of each company, या based on number of employees in each company. Question 23 and the last question for this session. So question 23, what shall be the answer? So answer here will be C, based on level of contribution of each company. चलें फ्रेंड्स, आज का ये सेशन वाइंड अप करने से पहले इस सेशन से रिलेटेड अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स के अंदर अपने क्वेश्चन को टाइप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपकी कोई जनरल क्वेरी है हमारी प्रोडक्ट्स को लेकर के तो आप हमें इस ईमेल आईडी के ऊपर मेल कर सकते हैं या हमारी ऐप का जो मैसेज बॉक्स है उस मैसेज बॉक्स के अंदर भी आप अपना
मैसेज टाइप कर सकते हैं. वी विल सूटेबली आंसर योर क्वेश्चन एंड विल ट्राई टू हेल्प यू एज मच एज पॉसिबल. चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू, ऑल द बेस्ट.